इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ओवरऑल रेट कांस्टेंट के के वन के थ्री ओवर के टू। तो जो आरएनएस इक्वेशन है उसको यहां पे यूज करिए ए ई माइनस ई ए वन ओवर आर टी। इसी तरह से K1, K3, K2 के लिए भी RNS इक्वेशन यूज कर लीजिए। तो A1 है ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हर स्टेप का डिफरेंट डिफरेंट होगा, माइनस EA1 ओवर RT। इसको केवल EA ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये जो है वो K1 में हमने यूज कर लिया। अब यहां ये A3 E माइनस EA3 ओवर RT और ये हो गया A2, और वो यार ने इस इक्वेशन यूज किया E माइनस EA2 ओवर RT। तो हम कह सकते हैं कि और A E माइनस EA और आर टी इज इक्वल टू ए वन ए थ्री ओवर ए टू, और इनको क्लब कर लेते हैं। ई माइनस कॉमन लिया ई ए वन प्लस ई ए थ्री। अच्छा ये ऊपर चला गया, माइनस में कॉमन गया तो माइनस ई ए टू ओवर RT। इनको कंपेयर कर लीजिए तो इससे EA क्या हो गया, EA1 प्लस EA3 माइनस EA2। ये सारी वैल्यूज दे ही रखी हैं जो है वो EA1 की और EA3 की 40 प्लस 20 और EA2 की 30। तो इसमें जो है वो एक ऑप्शन तो ये हाँ बी बन जाता है। अब दूसरा ऑप्शन बनाते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखें, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो ए स्टार ए ओवर ए स्क्वायर, यानी अगर इसको हम काट दें तो ये बचा। साथ ही साथ जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें ये इंटरमीडिएट आ रहा है, तो R इज इक्वल टू K3 A स्टार। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेप से इस A स्टार को वैल्यू को यहां प्लग इन करिए, तो ये हो गया K3 K1 बाय के टू और एक क्या बचा ए। तो पूछा गया है कि जो है वो द रिएक्शन मैकेनिज्म इज एंड ओवरऑल ऑर्डर इज वन, तो ये मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बैठ रहा है सी वाले में, और सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स वन आ रहा है, तो सी इज ऑल्सो द आंसर, बी एंड सी आर द आंसर्स।